आज बॉक्स ऑफिस पे पठान मूवी को 23वां दिन स्टार्ट हो चुका है और अभी भी पठान मूवी का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। पठान ने केवल इंडिया से कमाई नहीं किया, पठान ने बाहर की कंट्री से कमाई किया बहुत ज़्यादा। अब तक पठान को चाइना में रिलीज नहीं किया, जब पठान मूवी चाइना में रिलीज होगी तो चाइना से भी पठान मूवी 100 या 200 करोड़ के आंकड़े को इजिली पार कर लेगी। तो वेलकम बैक, आपका ऐसा कहें स्वागत है कि न्यू डी एम एस का। इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में आपको डे वन से लेकर डे 23 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। पठान मूवी केवल 21 दिन के अंदर 963 करोड़ कमा चुकी है पूरे वर्ल्ड। अगर पठान की कमाई को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हो, अब लग पठान मूवी 117 मिलियन डॉलर कमा चुकी है, जो कि इतिहास की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक बॉलीवुड की कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं जो हिंदी बेल्ट में इतना कमाई कर सके, जो कि पठान ने करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। पठान मूवी ने केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली, ट्रिपल आर मूवीज के बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगर आप शाहरुख के सच्चे पक्के फैन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर हम बात करते हैं पठान मूवी का डे 21 और 22 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिस्ट आपके सामने, डे 1 से लेकर डे 21 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान मूवी 963 करोड़ कमा चुकी है। पठान ने डे 1 के अंदर 106 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, 7 दिनों के अंदर पठान ने 700 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया था। और यहां पे आपको अभी डे 21वें दिन भी आपको एक बड़ा जंप देखने को मिला। 20वें दिन को पठान ने 7 करोड़ का कलेक्शन किया था, 21वें दिन 10 करोड़ का किया है और अभी 22वें दिन का बॉक्स और 23वें दिन का एडवांस बुकिंग ऐड करना बाकी है। पठान मूवी 963 करोड़ कमा चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड में। अब तक पठान मूवी का बजट 250 करोड़ था, जिसमें जॉन इब्राहिम को शूटिंग के 25 करोड़ मिले, दीपिका पादुकोण को 15 करोड़ दिए गए। क्या पठान मूवी 250 करोड़ का बजट लगाने के बाद 1200 करोड़ कमा पाएगी या 1500? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ पठान मूवी का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहने वाला है। पठान मूवी ने केजीएफ चैप्टर 2 का हिंदी बेल्ट में 434 करोड़ का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को केवल 14 दिन के अंदर 437 करोड़ कमा के इंडिया से रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड है नॉन हॉलीडेज में। यहाँ पे पठान मूवी ने दंगल मूवी का भी रिकॉर्ड को तोड़ के एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ बाहुबली 2 का जो हिंदी कलेक्शन है वो 511 करोड़ टूटना बाकी है। सो गाइस, आपके एक लेटेस्ट नेक्स्ट मूवी शाहरुख खान की जवान रहने वाली है, 2023 की सबसे बिगेस्ट मूवी है, जिसमें आपको अर्जुन भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइज, मूवी का कलेक्शन बढ़ाने के लिए फिल्म में अर्जुन को इनवाइट किया गया है, वो भी बहुत सारे सुपरस्टार आपको देखने को मिलेंगे। मान लो जवान बॉक्स ऑफिस को एकदम हिला के रख देगी, सब कुछ तहस नहस कर देगी। पठान मूवी ने पहले ही बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया है, 500 करोड़ हिंदी बेल्ट में कमा चुकी है पठान मूवी। और यहाँ पे जितनी ब्लॉकबस्टर मूवीज थी, केजीएफ चैप्टर 2, बाहुबली, पठान मूवी ने केवल 12 दिन के अंदर 400 करोड़ हिंदी बेल्ट में कमा के केजीएफ चैप्टर 2 और बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बाहुबली ने 15 दिन के अंदर कमाए थे, केजीएफ चैप्टर ने 23 दिन के अंदर कमाए थे। तो फिर से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर हम ये बात करते हैं पठान मूवी अब तक चाइना में रिलीज नहीं हुआ, जब चाइना में रिलीज होगा तो फिर धमाल मचाएगा। बात करें शहजादा मूवी की, तो शहजादा मूवी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। सिर्फ अभी शहजादा मूवी के 3 दिन के अंदर 7000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। गाइज, पठान मूवी का एडवांस बुकिंग में 6 लाख टिकट सोल्ड आउट हुए थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ शहजादा मूवी हिट होगी या फ्लॉप हो जाएगी। मेरे ख्याल में शहजादा मूवी मर धड़ के अपना जो बजट को क्रॉस करेगी, शहजादा फ्लॉप हो सकती है बट एवरेज दे सकती है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 23 का एडवांस बुकिंग 3 करोड़ का है एंड डे 23 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइफ टाइम जो रहने वाला, पूरे दिन का जो रहने वाला है वो 8 से 10 करोड़ रहने वाला है। ओके।